खगड़िया जिले के हजारों किसान परेशान थे जल जमाव से, समय पर खेती नहीं कर पा रहे थे। 70 वर्षों से भी ज़्यादा समय से बागमती नदी के इटवा सुलिस के आगे पीछे मिट्टी जमा होने से जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। 4 प्रखंडों के किसान वर्षों से जल जमाव से मुक्ति के लिए परेशान थे। बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह टुड्डू के पहल पर जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए सरकारी जमीन को अवैध कब्जा सहित पूर्व से निर्गत भू जमाबंदी पर्चा को रद्द करते हुए पूर्ववर्ती बंद पड़े नहर जल निकासी स्रोत का उड़ाही कर नया नहर का निर्माण किया गया है। आज बिहार किसान मंच के पदाधिकारियों की एक टीम ने किसान नेता धीरेन्द्र सिंह टुड्डू के नेतृत्व में इटवा सुलिस के आगे पीछे बने नहर का भौतिक जाँच कर रहे थे। किसान नेता ने बताया कि यह उपलब्धि किसानों के एकजुटता के कारण जिलाधिकारी खगड़िया श्री आलोक रंजन घोष जी के किसानों के प्रति सहानुभूति के कारण हुआ है। पूर्व के कई विधायकों ने अपने चहेते को गैर संवैधानिक तरीके से सरकारी जमीन का जमाबंदी पर्चा कायम करा दिया था। किसान नेता श्री टुड्डू ने बताया कि इस नहर के निर्माण से मानसी खगड़िया अलौली बखरी के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। किसान नेता को नवनिर्मित नहर निरीक्षण के क्रम में स्थानीय किसानों, जल संसाधन विभाग के अभियंताओं, तटबंध निर्माण कर रहे कंपनी के अधिकारियों ने माला पहनाते हुए फूल बुके देते हुए स्वागत किया। नहर निरीक्षण करने वाले बिहार किसान मंच के पदाधिकारी सर्वश्री सूर्य नारायण वर्मा, अनिल कुमार यादव, बिट्टू कुमार, नागेश्वर चौरसिया, राजेश निराला, चंदन कुमार, शशि प्रसाद यादव, वीरेंद्र यादव, अजीत यादव, अशोक कुमार यादव, पंकज यादव आदि शामिल थे। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया के इतिहास में ये पहली दफा है कि लगभग लाखों एकड़ जमीन के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी माननीय आलोक रंजन घोष जी से निवेदन किया था कि आप जो है सो यहाँ जल जमाव का समस्या है और उसका जो है सो आप निदान करें, और ड्रेनेज का निर्माण जो है सो इन्होंने करवाया है। बिहार किसान मंच का साथ ही हम लोग यहाँ संगठन के प्रमुख पदाधिकारी हम हैं, और खगड़िया के जनप्रतिनिधि को मैं हम लोग आज तोहमत लगाते हैं कि लोगों ने आज तक इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए कई एक MLA बने, MP बने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिहार किसान मंच के सौजन्य से ये बहुत बड़ा काम जो है सो आज जिला को समर्पित हो रहा है, और आज इन लोगों ने, कंपनी के लोगों ने, अभियंता के लोगों ने, जिला के सम्मानित किसान लोगों ने आज हम लोगों को बुला करके यहाँ अभिनंदन किया है। इसलिए सारे लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं बिहार किसान मंच की ओर से, और जिला को ये समर्पित हो रहा है। लगभग 4 प्रखंड के हजारों किसान को लाखों एकड़ से जल जमाव का ये मुक्ति मिलेगा। ये नहर को दिखाइए, नीचे से नीचे को दिखाइए नहर को, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा काम जो है सो इटवा सुलिस से लेकर के बागमती नदी तक का ये काम रिवर साइड और बाहरी भाग दोनों साइड काम हुआ है। ये जिला को आज समर्पित हो रहा है। इन्हीं चल शब्दों के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह टुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार किसान।